है घर में लड़ाई झगड़ा, पता ही है। ये तू क्यों चीख रहा भाई बच्चे के ऊपर, क्या बकर रखा तुमने घर में है? बैठो नीचे से, क्यों चढ़ रहे हो मेरे बच्चे के ऊपर, क्यों चढ़ रखे हो तुम? हाथ किसने उठाया है बच्चों पर? क्या चल रहा है घर में? छोटा लड़का नहीं सुनता, छोटा जो ये सुनता है तो इसकी भी नहीं सुन रहा। सब जगह दूरी सही नहीं है, जहाँ तू सही है वहाँ तू सही है, और जहाँ तू गलत है वहाँ तू गलत है। क्या घर में हालत रखी है तुमने 3 दिन से घर में? कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। खाना नहीं खाया तूने? माँ मेरा व्रत है आज। कल खाया था? कल पता, लड़ाई कब हुई थी तेरी पापा से? उस दिन तुम रोटी नहीं खाई ना? मैं खाई पूरा दिन। तो एक बार बताओ, तुम बच्चे मेरे भूखे रह जाएंगे क्या? मुझे पता नहीं लगेगा? मंदिर खोल के माँ के सामने रोता रहा बस, कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया, कम से कम सुख चैन तो दे दो। जब दरबार में झोली पहला के मांगने जाते हो ना, तो अपने आप को भी देख लिया करो झांक के अंदर के, हम क्या कर रहे हैं? माई दे रही है क्यों नहीं दे रही है? नहीं दे रही तो किस लिए नहीं दे रही है? और जो दिया है वो ले क्यों लिया? तुम सामने जाकर के बैठ जाओगे माई के और सीधे बोले बन जाओगे, उसे कुछ पता नहीं लगेगा? शांत हो तो शीतला हूं, और गुस्से में हूं तो फिर काली भी हूं। घर में बैठी हूं तेरे और फिर क्या बोलता है कि क्या है ये? ठंडा रूप ही देखा है बेटा, ठंडे से ही रह लें दे। पाथरी वाली हूं, नचा के घेर दूंगी, हल्की मत समझ लेना। आंख से गाना टांग से लंगड़ा लूला बना देती हूं मैं, समझ में आ गई बात? शांति चाहिए होती है मुझे घर में, और 2 मिनट शांति के लिए बच्चे को पूजा नहीं करने दी जाती है कि वो बैठ जाए बात कर ले मुझसे ना। भाई ये भी और वो दूसरा भाई भी दोनों ताने मारते रहते हैं, तेरे को यही काम है तू इसी में लगा रहे। छोड़ मेरे दिन निकल जाएगा कहीं पे, ये बात मेरी सुन ले आज। अब तू ये सोच रहा है कि अच्छा निकल जाए, मैं तो भरी हो जाऊं। पैदा करे हैं ना, बड़े करे हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी ले, वरना गली में कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर देते हैं बच्चे को। कब तक लगेगा बेटा? जिस दिन इसकी बुद्धि सही हो जाएगी उस दिन काम लग जाएगा। रोने वाली मैं हूं, और बता। और मैं शीतला, और बता। घटा है उनका काम लगेगा। दिया जोड़ा उसने मेरा? दिए बोले थे ना उसे जोड़ने के लिए? कितने दिन करी है और कब कब करता है? मैं जब भी कुछ उपाय बताओ ना। मैंने बेटा, मैं अपनी तरफ से तैयार बैठी हूँ, सामने वाला जब मेरे लिए अपने भाव लेके आएगा तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मैं जब भी बताओ ना कोई उपाय, कोई मंदिर बताओ कि वहाँ जाके पूरी हो जाती है मन्नतें, तो मैंने बहुत मंदिर कर लिए, मैंने बहुत। तो फिर तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे? वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। हमको तो ये होता है ना कि हमारा तो आया उसके साथ गलत ना होता है जैसे भी है। बेटा जो तुमने उपाय से बताया उसे नहीं करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन नहीं करा, बात कर ली मुझे। और बता बच्चे। माँ तो हमारी कुल देवी बगल की माता ही है या कोई और है? नाम बाबू मेरा यश यश राणा। बाप का नाम? चिराग राणा। दादा का नाम? वीरकरण राणा। गांव? पाकिस्तान। गांव बताओ चाहे पाकिस्तान में जो कोई हो। पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा है वो एलिगेटर। बेटा बगला मुखी तो मना कर रही है, वो तो नहीं है। किसने बोला है? माँ मेरे जितने सब वही बताते हैं बगला मुखी है। मुझे तो बगला मुखी नहीं दिख रही है, खड़ी हो तो आ जाती है अब तक बेटा। माँ कौन है फिर? हम से उन्हीं की पूजा करवाते हैं। नाम बता ना बेटा, दोबारा नाम बताओ अपना। यश यश राणा। पापा का नाम? चिराग राणा। बगला मुखी तो बेटा ये कह रही है मुझे दिया देते ही क्या है जो मैं इनके आगे खड़ी हूँ। माँ मुझे बेटा तेरे घर में सिर्फ शीतला पाथरी वाली खड़ी हुई दिखाई दे रही है, बगला मुखी नहीं है तेरे घर में। माँ उनका पीछे उनकी जयंती तब घर में लड़ाई होगी, मैं तो देना था। बगला मुखी नहीं खड़ी बेटा, और कुलदेवी होती तो बोल देती। यहाँ तो जिनको नहीं पता उनको भी बताती है। माँ तो कौन है हमारी कुलदेवी? अभी तो कोई है, तुमने गाँव नहीं बताया तो वो आगे भी नहीं आ रही। कोई गाँव बता तो पता कर लो। सीरा वाली पाकिस्तान। अच्छा तो अभी तक तो तुम चुप बैठे थे। इनको बताओ, मेरे को नहीं पता।
वो भी तो चुप बैठा था। दोबारा बता नाम। श्रीराम वाली। अपना नाम? यशस्व राणा। बाप का नाम? चिराग राणा। पिता का नाम? विक्रम राणा। गांव? सीरा वाली पाकिस्तान। बेटा पूछती तो है तुम्हारे यहाँ पे ये। हाँ जी मैं सारी इन्हीं को पूछते हैं। पर ये कह रही है कि मेरी मान्यता है इनके यहाँ में, कुलदेवी नहीं है इनकी, कुलदेवी नहीं है वो तुम्हारी। शादी ब्याह में उन्हीं के यहाँ होती है सारी पूजाएं, मुंडन में ही होते हैं। हाँ जी सब वही पूछ। ये यूँ कह रही है कि मेरी मान्यता है इनके यहाँ पर, मैं कुलदेवी नहीं हूँ। माता एक दूसरी भी बताते हैं, ज्योति माता वही है बेटा, पठानकोट में वही है। माँ भी छोटे वाले भाई ने परेशान करके रखा हुआ है बेटा, उसके साथ होता भी तो कितना बुरा बुरा है पहले, ये तो देख लो। ये तो देख लो उसके साथ होता भी तो कितना बुरा बुरा है। ये रोटियों की थाली किसकी तरफ फेंकी जा रही है? उसी की तरफ फेंकी गई थी। फेंक के मारी है कि खाना है? खा नहीं मत खा। फिर बेटा गलती माँ की है, क्योंकि माँ बच्चों को संभाल लेती है, गोद में बिठा लेती है, तेरे साथ चल पड़ी हूँ, तेरी सेवा मैंने ले ली, तो गलती फिर मेरी है बाबू। अगर छोड़ दूँ तुम्हें ऐसे ही धक्के खाने को लोगों के भरोसे तो सही हूँ, और अगर अपने बच्चों के बारे में सोच लूँ तो मैं गलत हूँ। यही तो कहा जाता है ना, क्या ला करके बिठा दिया यहाँ पर, हमारे सर पे चढ़ा दिया बोझ, रोज सुबह शाम यहाँ ढोंग ढकोसले हो रहे हैं। मैं तो आपको श्रद्धा से पूछ, बेटा तेरी तो मैंने गलती कही ही नहीं। मैं सवाल जवाब किससे करूँ? जब तू मुझसे करता है तो मैं किससे करूँ? उनसे जो मेरे दिए भी उठा उठा के फेंक देते हैं, उनसे करूँ? किसी चीज का परहेज नहीं होता है घर में। मैंने तो किसी चीज का परहेज नहीं होता। हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाते बेटा, नॉनवेज की बात नहीं होती। ये तो देखना चाहिए कि इस समय शीतला की पूजा हो रही है या आज शीतला को माना जा रहा है, तो कुछ तो परहेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जब आपकी अष्टमी पूछी थी मैंने कुछ नहीं खाया था, चूल्हा नहीं जला दिया था, तो घर में लड़ाई झगड़े पड़ गए थे, इन लोगों ने तो गरम खाया था। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, परहेज तो होते नहीं। हाँ जी माँ बेटा, प्याज लहसुन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब चीज स्वीकार है। मैं भाव लेती हूँ, टन नहीं लेती, मन लेती हूँ। जब जब नंगे पैर तू जलते फर्श पे मेरे मंदिर पहुंचा है, मुझे पता है क्या सोचता है, मुझे नहीं पता। फिर वो आपको तो सब पता है। फिर जब जब तू मोतियों की माला लाके मुझे पहनाता है, मुझे वो भी पता है। जब तू हलवा बना के खिलाता है, वो भी मुझे पता है कि ठंडा कर लूं कहीं लग जाए माँ को। तो फिर मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? घर में मोई नोज वगैरह साफ का कर लेते हैं, और तो कोई बेटा शांत हूँ तो सीख लाऊ, पहले कह रही हूँ। जी हाँ चेत जाओ, काम धंधा सब कुछ होगा लेकिन चेत जाओ, परीक्षा लेनी बंद करो मेरी, क्योंकि मैं लेने पे आ गई ना फिर मैं नाखून के नीचे से मांस भी उखाड़ लेती हूँ। अभी समय है इसके काम में बेटा, जिस दिन इसकी भक्ति भाव में हो जाएगी श्रद्धा, उस दिन काम भी हो जाएगा। बोल बाबू तू बता, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, तू तो घर छोड़ के आश्रम में पहुंच रहा है। समझ जा थोड़ा बाबू, समझ जा बेटा थोड़ा सा, घर परिवार छोड़ के मुझे तू आश्रम में बैठा हुआ दिख रहा है। मैं उस दिन तो मेरा मन कर रहा था बेटा, जिस दिन तेरे दिमाग में उल्टी सीधी ऐसी बात भर जाए ना, तू मुझे याद कर लिया था, ठीक है? ऐसे कभी नहीं करना उल्टा सीधा बाबू, कभी नहीं करना। आप मेरे साथ को मैं तेरे साथ हूँ बाबू, जब मुझे ये भी पता है कि भोग किस चीज का दे रहा है तो क्या मैं तेरे साथ नहीं हूँ? क्या मुझे पता नहीं है बिस्तर पे लेटा लेटा भी मेरा जाप करता रहता है? फिर और कितना समझाऊं तुझे कि मैं तेरे साथ हूँ? मुझे पता है आप मेरे साथ हो, फिर जब से मैं आपको लाया मेरे को पता है आप मेरे साथ हो। फिर बाबू तू जब लाया उसके बाद तो तूने ये भी सोचा ना कि लाल चुन्नी तो चढ़ा दूं माँ पे, मैं तभी तेरे साथ थी बाबू, उस बात को कितने दिन हो गए? बेटा अभी जब जिस दिन इसकी बुद्धि सही हो जाएगी उस दिन सब कुछ होगा तेरे घर में बेटा। बोल सच्चे दरबार की जय। और कुछ पूछना बाबू? नहीं कुछ है बाबू, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है बेटा? ओके सब जगह वो छोटा बच्चा भी गलत नहीं है, गलत है पर सब जगह नहीं है।
थोड़ी उसके लिए सुन के देखो, बैठ के बात करके देखो उससे भी।